अफीम की खेती और नशा के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसके बावजूद भी लोग अफीम की खेती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। चैनपुर प्रखंड के तिगावल दतरा ढोडा के पास कुछ लोगों ने एक एकड़ भूमि में अवैध अफीम की खेती की थी, जिसकी गुप्त सूचनाएं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सुशील कुमार खाखा को मिली थी। सोमवार सुबह 10 बजे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सुशील कुमार खाखा के नेतृत्व में सर्किल इंस्पेक्टर बैजू राम व चैनपुर थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह पुलिस दलबल के साथ तिगावल दतरा पहुंचकर एक एकड़ में लगे अवैध अफीम की खेती को बुलडोजर चलवाकर नष्ट किया गया। पुलिस ने मौके पर खेत के पास से कुदाल, डीएपी खाद, सेक्शन पाइप एवं सप्लाई पाइप को जब्त किया है। अफीम की खेती करने वाला बाहर का बताया जा रहा है। थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। जमीन मालिक का नाम निकोलस बताया जा रहा है। अभियुक्त की पहचान कर ली गई है, जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो खेती हुई है वो अफीम की खेती हुई है और ये हमारे तिगावल गांव के दतरा ढाड़ में के बगल में हुआ है, जो लगभग एक एकड़ जमीन में फैली हुई है। आज उसे ही नष्ट किया जा रहा है पुलिस और प्रशासन द्वारा। इसका पता तो नहीं चला है क्योंकि गांव में बताया जा रहा है कि ये बाहर के आदमी द्वारा लगाया गया है, लेकिन ये यहाँ के ही जो खेत है वो निकोलस के ना कोई नाम है उसके खेत में लगाया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।